अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की, जिसमें मेरा भी बर्थडे हुई थी। और ये आप देख सकते हैं कि आज ज़बरदस्त डेकोरेशन की गई है। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है सेवन्थ स्काई एंटरटेनमेंट वालों का। और ये ड्रामा हर्पल जियो पे आजकल टेलीकास्ट हो रहा है और इसने पॉपुलैरिटी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और ये पाकिस्तान का नंबर वन ड्रामा चल रहा है आजकल, और दूसरे नंबर पे मुझे प्यार हुआ था जा रहा है। दोनों ही वीक के बहुत ही अच्छे ड्रामे चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सीक्वेंस के लिए इन्होंने किस तरह से पैसा खर्च किया है। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और आप लोग सिर्फ एक सीन की सजावट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रामा कितनी मेहनत के साथ बना होगा। अब अगर बात की जाए पैसों की कि ये सेटअप कितने पैसों में लगा होगा, तो ये जान के तो आपके होश उड़ जाएंगे कि सेवन्थ स्काई वालों ने इस पे पैसा पानी की तरह बहाया है। और इस पे कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लगे होंगे। आप देखें कि किस तरह से लाइटिंग है, फ्लावर्स हैं, बलून्स हैं, इसके अलावा केक है और सोफ़ा, स्विमिंग पूल। ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और इसका तो सिर्फ किराया ही 1.5 लाख रुपए है और बाकी चीज़ों के ऊपर 1.25 लाख रुपया लगा है। और जब इतना पैसा लगा है तो वाकई में ये सेटअप तो काफ़ी शानदार था और सभी हैरान रह गए थे कि कितनी प्यारी पर्दे हो रही है मीरब की। इसमें वहाज अली और यमुना जैदी की एक्टिंग को काफ़ी सराहा जा रहा है और साथ में जितने भी अदाकार हैं वो सब अपना 100% दे रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बैठे हुए हैं और ये वो वाला सीन है जिसमें यमुना अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वहाज ने आके उसे हैदराबाद लेके जाना है। आप देख सकते हैं इस वक्त वहाज अली वगैरह डिनर कर रहे हैं। वहाज अली बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और इनके दोनों ही ड्रामे काफ़ी फेमस जा रहे हैं, दोनों ही ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। एक में ये काफ़ी सैड रोल प्ले कर रहे हैं और एक में ये फ्लर्ट और एक लवर का रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें इस ड्रामे में एक्शन भी देखने को मिलेगा। और इस वक्त ये लोग डिनर कर रहे हैं, ये हयाबाजी खड़ी हुई हैं और साथ में वहाज अली खड़े हुए हैं। अब ये वही सीन है जिसमें वहाज को जाना है, यानी कि मुर्तसिम को जाना है और मीरब को खींचते हुए वहाँ से लेकर आना है। यहाँ पर यमुना जैदी ने अपना शॉर्ट दिया हुआ है और ये स्टाइल मारती हुई आपको नज़र आ रही हैं। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका 100% ज़रूर मिलेगा। इस ड्रामे में मीरब और मुर्तसिम की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और हम भी उनके एक फ़ैन में से ही हैं और हमें भी तेरे बिन ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है और इनकी जोड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।